मध्य प्रदेश के चुनावी घमासान में अब नेता एक दूसरे पर निजी हमले करने लगे हैं। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने डबरा में शिवराज सरकार में मंत्री इमरती देवी को आइटम कहकर संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री के भाषण का ये वीडियो अब वायरल हो गया है। वहीं उनके इस बयान को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने संपूर्ण नारी समाज का अपमान बताया है। ये उसके जैसे नहीं है क्या? उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लू? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? भारतीय लोग, खासकर हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, नारी का पूरा सम्मान रहे इस बात का ध्यान रखते हैं। एक कहावत है हमारे यहाँ की, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी पूजी जाती है वहां देवताओं का वास होता है, ऐसा भारतीय संस्कृति में कहा है। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, या नारी का सम्मान जहां है संस्कृति का उत्थान रहा है। इसलिए हमने जब पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा की, अगर ज्ञान चाहिए तो विद्या की देवी सरस्वती जी की आराधना की, और ताकत चाहिए तो दुर्गा के रूप में, शक्ति की आराधना दुर्गा के रूप में की। मेरा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मां की सेवा करता है, पूजा करता है, तो उसे जीवन में कष्ट नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की संस्कृति है। एक कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उसने अपनी पार्टी की नेता को, महिला नेता को पंचमाल बताया था। आज कमलनाथ डबरा आए थे और डबरा आके वो हमारी प्रत्याशी इमरती देवी को आइटम बताते हैं। ये कमलनाथ जी की सोच है, वो कांग्रेस की सोच है। ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्री आपके सामने हैं। ये शाहरुख खान और जैकलीन वाली सोच लेकर कमलनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने थे, बने तब और हटे हैं तब। ये एक उद्योगपति है, इनकी पाश्चात्य सोच है। और इसलिए बहनों, आप बड़ी संख्या में उपस्थित हो। आज कमलनाथ जी ने डबरा आकर नौ दुर्गों के दिन मातृशक्ति का अपमान किया है, एक महिला का अपमान किया है। और 3 तारीख को कमलनाथ को जवाब देना है कि नारी का अपमान डबरा कभी सहन नहीं करेगा।